What is the sun, you ask? Guys, ये सूरज है and if you want to know more about this, all you have to do is click on the link in the description box below that says why so serious. ठीक है, बस आपको क्लिक करना है और आपको भी तभी पता चलेगा जब आप उस लिंक पे जाओगे. Okay? हेलो एवरीवन, दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता फ्रॉम वेदांतू एंड मेरी कक्षा में आपका स्वागत है. आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ, एक ऐसी कहानी जो दो बच्चों की है, एक मेरी और एक मेरी फ्रेंड जिसका नाम मैं अभी बदल देती हूँ सुहाना की. हम दोनों ने ऐसे क्या रास्ते अपनाए जिसकी वजह से मैं तो एवरेज से एक टॉपर स्टूडेंट बन गई लेकिन वो एक टॉपर स्टूडेंट नहीं बन पाई और एवरेज ही रही. ऐसे क्या बदलाव मैं अपने अंदर लाई जिसके वजह से मेरा माइंडसेट, मेरे मार्क्स, मेरी पर्सनालिटी बदल गई. इस वीडियो को एंड तक देखना, आप में से काफी सारे ऐसे बच्चे होंगे जो मेरी इस कहानी से कनेक्ट कर पाएंगे और जो शायद इन्हीं बदलाव से आप भी अपनी जिंदगी को बदल सकते हो. यू नो व्हाट टू डू नॉट फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप टू दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. लेट्स गो. कहानी शुरू होती है क्लास 6th, 7th, 8th की, है ना. मेरी बेस्ट फ्रेंड थी सुहाना, हम साथ में हर चीज करते थे, बहुत एक्साइट होते थे एक दूसरे से मिलने के लिए. क्लास में मैम पढ़ा रही होती थी, हम लोग जो है ड्राइंग करते थे, फ्लेम खेलते थे, फ्लेम एक गेम होता है अगर आपको नहीं पता कोई बात नहीं, है ना, बातें करते थे मूवीज के बारे में, स्टोरीज पढ़ते रहते थे, ऐसी मस्ती मटर गस्ती करते थे. ना ही हम एक्स्ट्रा करिकुलर में अच्छे थे, है ना, ना ही हम पढ़ाई में अच्छे थे. हम एक ऐसे स्टूडेंट थे जो टीचर जो है स्पेसिफिकली जिसको बहुत अच्छी तरह जानती भी नहीं थी. एन एवरेज स्टूडेंट, नॉट अ टॉपर, नॉट अ फेलियर, 70-75% लाने वाले एवरेज स्टूडेंट थे हम. मन बहुत करता था कि यार, जैसे नहीं होता रिजल्ट के टाइम, यार हम भी टॉपर होते, हमें भी मेरिट बैच मिलता. जब भी एनुअल डे होता था तो स्टेज पे जो लड़की खड़े होके पूरी स्पीच देती थी उसको देख के बहुत ज़्यादा अंदर से जो है जेलसी होती थी कि यार काश हम भी ऐसे बोल पाते, काश हमें भी कभी चुना जाए ऐसी चीज़ों के लिए. डिबेट होता था, डांस होता था तो लगता था यार हम भी शायद ये कर सकते हैं, बट अपना नाम देने के लिए हिम्मत नहीं होती थी और ना ही कभी हमें चुना जाता था. बट ऑफकोर्स ये सोच कि हम लोग बहुत ज्यादा कूल है, हमारे पास हम यू नो हम एक दूसरे के लिए है, हमें इस सबसे फर्क भी नहीं पड़ता था. थिंग्स वर गोइंग फाइन. ऑफकोर्स बुरे मार्क्स आते थे तो घर पे डांट भी बहुत पिटती थी और हम इस डांट के बारे में एक दूसरे को सुनाते भी थे. आज पापा ने ये बोला, मम्मी ने ये बोला, फिर दो दिन बाद भूल गए, ही हा हा, है ना. कहानी ऐसे चलती रही. मैं क्लास 8 में आई और क्लास 8 में मुझे अभी तक विजुअली बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से याद है कि जब क्लास 8 के फाइनल एग्जाम्स ख़त्म होते हैं तो हमारे स्कूल में रिजल्ट दिखाया जाता था पेरेंट्स के सामने रिपोर्ट कार्ड डे पे. आई एम श्योर आप में से भी काफ़ी ऐसे बच्चे होंगे जिनके स्कूल में ऐसा ही होता है. तो हमारे यहाँ भी रिजल्ट डे आता है और रिपोर्ट कार्ड मैम दिखाती है और हमारे यहाँ सर्टिफिकेट उन बच्चों को दिया जाता था जिनको 80% से ऊपर आते थे. 6th, 7th, 8th, है ना, मतलब 6 और 7 में मुझे ये सर्टिफिकेट कभी नहीं मिला. क्लास 8 में मुझको आए 81% और ये टीचर ने मुझे, मतलब आई वॉज वेरी सरप्राइज क्योंकि ऑब्वियसली मुझे था ऐसे ही आएंगे जैसे हमेशा आते हैं 60-70%. और जब टीचर ने वो सर्टिफिकेट निकाल के रखा, पता है टीचर ने क्या बोला? कंग्रेचुलेशंस नहीं बोला. मुझे अभी भी याद है मेरे मम्मी पापा बैठे हुए हैं और उन्होंने बोला 81% आए हैं, पता नहीं लगता है किसी एक सब्जेक्ट में अच्छा कर लिया होगा इसने गलती से. एंड दैट हिट मी कि मैं अच्छे मार्क्स एक सब्जेक्ट में लाई हूँ, ये भी गलती से हुआ होगा और इसीलिए टीचर वैसे एहसान करके मुझे सर्टिफिकेट दे रही है विच इज़ ओनली फॉर 81%, है ना. और फिर उन्होंने ये बताया, अच्छा हमारे स्कूल में ये भी होता था कि 8th स्टैंडर्ड में थोड़ी करियर काउंसलिंग होती थी, तो उन्होंने मेरे मम्मी पापा से पूछा कि आप लोग क्या करते हो, आप अपनी लड़की को क्या बनाना चाहते हो, उसका क्या इंटरेस्ट है. इन्हीं सब बातों में साइंस की बात आई. My dad is an IITian. He comes from a very small lower middle class family. एक कमरे में 6 बहनें और 2 भाई जो है एक साथ पले बड़े हैं और उन सब में से सिर्फ मेरे पापा जो सबसे छोटे थे वो इकलौते IITian बने. उन्होंने जो है IIT क्रैक किया और एक तरीके से पूरे परिवार को वो गरीबी से बाहर लाए. ऐसे सिचुएशन में जब मेरे पापा ने मेरी तरफ देखा और बोला कि बेटा मैम पूछ रही है आप क्या करना चाहते हो 11th, 12th में और आपको जिंदगी में क्या बनना है, मैंने उनकी तरफ बोला कि यार मुझको तो नहीं पता. और यार क्या ही पता होता है क्लास 8 के बच्चे को. फिर उस टीचर ने एक और चीज बोली जिसने मेरा दिल दुखा दिया, जिसने मेरे अंदर आग जैसी ज्वाला कर दी कि भाई इस टीचर का मुंह तो बंद करना है ना. एंड नो डिसरिस्पेक्ट टू द टीचर बट आई फील कि कभी कभी
टीचर शायद ये सही बोलती है जिससे भाई इंसान जो है बिल्कुल अंदर से आग बबूला हो जाए और बोले कि मैं अपने गुस्से को प्रोडक्टिव बनाऊंगा, मैं अपने गुस्से से कुछ अच्छा कर दिखाऊंगा। और टीचर ने ये बोला कि अगर आप भी IIT हो, बात उठी तो आप आई एम श्योर आप चाहते हो कि आपकी बेटी भी इंजीनियरिंग करे, तब इंजीनियरिंग डॉक्टर दैट वॉज द बेसिक लाइक। मुझे टीचर के सामने ऐसा होना चाहिए कि स्कूल का 9th का हर एक टीचर सुरभि को जाने, है ना। स्कूल में होता है ना ये कि भाई टॉपर हो तो हर बच्चा भी आपको जानेगा, हर टीचर भी आपको जानेगा। तो 9th स्टैंडर्ड से मैंने बोला अपनी दोस्त सुहाना को, यार देख इस साल तो फोड़ना है। उसे लगा हर साल की तरह सुरभि बोल रही है, उसने कहा सुरभि जरूर फोड़ेंगे। और वापस से क्लास शुरू हुई, वापस से वो मुझसे बातें करने लगी। मैंने कहा यार सॉरी मैं तुझसे बात नहीं कर सकती, मैं अलग सीट पे बैठ रही हूँ, क्योंकि जब मैं तुम्हारे साथ बैठती हूँ तो हम बातें करने लगते हैं। इंटरव्यू